सो हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का और एक व्लॉग में। आज मैंने कुछ भी व्लॉग एडिट नहीं किया है, तो कल शायद से 11 बजे तक व्लॉग देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ जुगाड़ अगर मैंने कर लिया तो पहले ही अर्लियर मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि क्या रहेगा, बट आज मूड ऑफ होने की वजह से कुछ भी मैंने किया नहीं है। अर्ली व्लॉग एंडिंग हो गई, एडिटिंग ना होना, बाहर जाना और टाइम पास करना, यही सब चल रहा है। ठीक है, तो अभी घर पर आया हूँ। घर पर आके अभी थोड़ा बहुत जो है वो मार्केट को एनालाइज किया जा रहा है। अब मैंने बोला है कि कल गैप अप होगा। लास्ट व्लॉग में मैंने बोल के रखा था ये एंड में जाते जाते कि भाई कल एक तो गैप अप होगा या फिर फ्लैट ओपनिंग होगी, और मैंने जो ट्रेड है वो उसी के हिसाब से लिया है। देखो, जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम बिताओगे वैसे वैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ना सीखते जाओगे। 1 ईयर मैंने मार्केट में अभी फ़िलहाल दिया है, बट 1 ईयर में बहुत सारी चीज़ें अभी तक मैंने सीखी है और सीखना बाकी है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ है जो मतलब सुन चुका हूँ, उसके जो इफ़ेक्ट्स है वो भी देख चुका हूँ, और ऑप्शन माइंड में क्या सीन होता है, कैसे रहना चाहिए वो भी देखा है। अभी भी स्टिल लर्निंग फेज में हूँ, बट इतना तो पता लगा सकते हैं कि भाई कहाँ से बाउंस ले सकता है, कहाँ से नहीं ले सकता, ये कब ब्रेक होने वाला है, कब ब्रेक नहीं हो सकता, और चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे और इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि थोड़ा भी लॉस होना अपने मतलब इसमें नहीं रहेगा। देखो यार, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, बट स्टिल अपने को मिनिमम से मिनिमम लॉस रखना है और प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं होता, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट को अगर देना है तो वो देगा आपको, अगर नहीं देना है तो सब लेगा, बट जब लेते टाइम आपको वो पकड़ के रखना है, वो छोड़ना नहीं है भाई, अभी ले मत। ठीक है, वो प्रॉफिट वाले सिनेरियो में भी सेम है, जब प्रॉफिट में ट्रेड जाए तो ऐसे को मूव करा करो एंड प्रॉफिट लॉक इन करा करो एक तरह से। अगर नीचे भी आया तो भी आप कुछ तो लेके जाओगे। जस्ट एक एडवाइस देना चाहता हूँ ईच एंड एवरी न्यू ट्रेडर को, जब आप मार्केट में आते हो तो ऐसे ब्रोकर ढूंढो जहाँ पे आपको ब्रोकरेज जीरो लगे। जैसे कोटक न्यू एक ट्रस्टेबल ब्रोकर है, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई, ऐसी सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ वो। तो आप उसमें अकाउंट ओपन करके जो है वो एनुअल फ़ी एक देनी होती है, वो देने के बाद आप 2 ईयर्स तक विदाउट ब्रोकरेज जो है वो ट्रेड कर पाओगे। बस छोटे मोटे चार्जेस लगते रहते हैं, जो STG चार्जेस है और बाकी सारे गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस वाले चार्जेस होते हैं वही लगते हैं। रादर दैन दैट कोई भी चार्जेस आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा, और आज के समय में ब्रोकरेज जो है वो 20 रुपीज़ पर ट्रेड देने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, बट कोटक नियो में आपको अगर आप एनुअल प्लान लेते हो तो वो ज़ीरो पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर इंटरेस्टेड है तो तुम आप ओपन करवा सकते हो। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और फॉर ट्रेडिंग पर्पस दोनों के लिए बेस्ट है। प्लस कोटक बैंक की तरफ से आता है तो फ्रॉड भीड होना बहुत ना के बराबर है। तो देखो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड है आपको क्या करना है। फिलहाल मैं जाता हूँ सोने और अपन मिलते हैं सुबह ट्रेड के साथ। क्या ट्रेड बनता है वो सुबह उठ के देखा जाएगा। The next day. सो जो मैंने बोला था वही हो रहा है, गैप अप हुआ है मार्केट। बैंक निफ्टी जो है वो 257 पॉइंट अप है एंड निफ्टी जो है वो 80 पॉइंट अप है। मतलब फाइनेंशियल जो निफ्टी है, फिन निफ्टी, वो 18022 पे है। सो वी आर इन, मे बी अपन अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठ सकते हैं। मार्केट खुलते ही एग्जिट करना है, अभी 3 मिनट है। सबसे पहले लेवल ड्रॉ कर लेते 3 मिनट के अंदर एंड फिर मैं आपको मिलता हूँ। मैंने ट्रेड लिया, एक्चुअली ओवरनाइट ट्रेड की मैं ही मैंने एक एड ऑन किया है, तो यहाँ पे एक मेरे को डीप मिला जहाँ पे मैंने बोला था गैप फील होगा, गैप फील हुआ है। यहाँ पे समवेयर 17,910 पे मैंने एक लॉट और एक बाय किया है, जो प्राइस है वो समथिंग कुछ 130 थी और अभी ये 126 पेल्टी भी आया है। मैं वेट करूँगा इसको कम होने का, अगर ये कम होगा जितना उतना अपने को प्रॉफिट होगा। देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट जो है, मतलब जो जहाँ पे अभी ये टप्पा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ये तोड़ पाएगा कि नहीं। अगर ये तोड़ता है तो फिर आई हैव टू एग्जिट और अपन वेट करेंगे एक और एक अपॉर्चुनिटी का, लेट्स सी। सो अभी मार्केट फिलहाल मेरे को स्ट्रांग लग रहा है, बट हो सकता है कि एक छोटा और डीप दे, उसके बाद फिर अपन को एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी जो समथिंग हो सकती है अराउंड 500 या 600 पॉइंट्स की, आज नहीं बट ओवरऑल। उसके बाद फिर अपने को एक और एक फॉल आना बाकी है, जब वो फॉल आएगा तब देखेंगे क्या करना है, बट फिलहाल अपन वेट करेंगे आज के ट्रेड का खत्म होने का। सो अभी ऑफिस से निकल चुका हूँ एंड ट्रेडिंग का दिन अभी तक क्लोज नहीं किया, ऑफिस आके क्लोज कर दूंगा। जो मार्केट है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहा है, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं रखेंगे, पता नहीं कुछ बीच में हो जाएगा तो फिर फुकट का लॉस खाना पड़ेगा। तो अभी ऑफिस जाके जो भी अभी ट्रेड ऑनगोइंग है उसको एग्जिट करेंगे, या फिर कहीं पर अगर सिग्नल लगा तो वहाँ पर रुक के देखेंगे क्या सीन है और एग्जिट कर देंगे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी सही नहीं होता कभी कभी, क्योंकि सब कुछ अगेंस्ट जा सकता है, दैट्स व्हाई। और आज फ्राइडे है
फ्राइडे में आज कुछ काम नहीं रहेगा, मोस्टली रहेगा तो भी देख लेंगे, बट मोस्टली नहीं रहेगा। सारे एम्प्लॉयज़ को सुस्ती आती है फ्राइडे को, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो उससे पहले जो भी दिन रहता है वो एकदम आराम से गुजारते वो लोग, कुछ लेना देना नहीं। और हम लोग आईटी वाले, हम लोग का सीन ऐसा है कि हम लोग को फ्राइडे हो डजंट मैटर, अपन को फ्राइडे को फुल एनर्जी आती है, एंड प्लस अगर सैटरडे वर्किंग रहेगा तो फिर ख़त्म, फिर तब हम लोग थोड़ा फ्राइडे को एकदम आलसीपना करते काम करने के लिए। जैसा भी है, कल वर्किंग है मेरी, तो मेरे को कल ऑफिस जाना है सैटरडे को भी। अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि मैं लवासा लेक जाऊँ और वहाँ पे जो कैंपिंग है, लेक साइड कैंपिंग, वो इंजॉय करूँ, जस्ट टू लाइक स्ट्रेस थोड़ा सा दूर करने के लिए। वेदन को भी बुलाने वाला था बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लान नहीं हो पाएगा क्योंकि सैटरडे को मेरा ऑफिस आ गया। फॉर श्योर अगर ऑफिस नहीं आता तो मैं अभी यहाँ पे जो कल है वो निकल जाता मैं पुणे के लिए, और फिर वहाँ से हम लोग जाते लवासा लेक विथ वेदांत, बट अभी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मेरा प्लान है कि नेक्स्ट मंथ के 3 और 4 तारीख को जाने का, जो सैटरडे संडे आ रहा है तब। सो होप सो कि चले जा पाएंगे। ये क्या कर रहा है भाई, सिग्नल तो दे यार, लड़की चला रही है। इन लोगों में सिग्नल नहीं होता, सिग्नल मतलब इंडिकेटर, सॉरी सॉरी यार, मतलब ये कर रहा हूँ मैं, बट ऐसा जितने भी अभी तक एक्सपीरियंस आया ना मैंने ड्राइविंग से, जितने भी मतलब रिक्शा वाले और जितनी लड़कियाँ गाड़ी अभी तक चलाती है, उन दोनों से थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि रिक्शा वाला कभी भी कुछ भी करता है, राइट का सिग्नल दे के लेफ्ट में चला जाता है, और लड़कियों का मतलब वो थोड़े से पैनिक हो जाते हैं जल्दी गाड़ी चलाते वक्त, तो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। नो हेट टू एनीवन, बस है तो है भाई, इट्स अ फैक्ट, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। गट फीलिंग है कि एकनाथ शिंदे जी आए यहाँ पे, मुख्यमंत्री ऑफ महाराष्ट्र, सो या इसी वजह से इतनी सारी भीड़ अभी फ़िलहाल है, यहीं पे आता है वो हर, मतलब मोस्टली सैटरडे संडे यहीं पे दिखेंगे आपको, इसलिए इतनी सारी जो भी गाड़ियाँ खड़ी है ना वो सब उनकी है, उनकी मतलब उनकी आगे पीछे रहती है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑफिस से अभी घर पे जा रहा हूँ, एंड आज का ट्रेड का सिनेरियो एक बता देता हूँ मैं, कि मैंने जो कल ओवरनाइट लिया था उसको मैंने आज भी कैरी ऑन किया है, मतलब आज भी मैंने उसी को कंटिन्यू रखा है मंडे के लिए। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ओनली वन, कि सुबह मेरे को प्रॉफिट हुआ था, एंड एक लॉट जो है वो मैंने बस उसमें से निकाला, एक लॉट को मैंने वैसे ही रखा, यह एक्सपेक्टेशन रख के कि मार्केट और ऊपर जा सकता है तो अपना जो पुट है जो है वो अपने को प्रॉफिट देने लगेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब उल्टा हो गया। और मैंने एक ऑफिस जाने के बाद मेरे को एक कॉल आया, सो मैं वो कॉल में बिजी था पूरा, लिटरली 2 घंटे मेरे पूरे आई गेस कॉल पे गए होंगे, 2 से 1.5 घंटा, और वो 1.5 घंटे में पूरा गेम चेंज हो गया, मार्केट ने पूरा गेम चेंज कर दिया, पूरा लॉस में लेके गया वो जो पूरी पोजीशन थी उसको। तो फिर मैंने सोचा कि अभी यार लॉस में आया है, एक लॉट मैंने निकाल दिया है तो क्यों ना एक लॉट से एवरेज किया जाए, तो मैंने एक लॉट से एवरेज किया है उसको, एंड कहीं ना कहीं पर अभी ये एक्सपेक्टेशन रखे कि मंडे को जो है वो अपन फ्लैट ओपनिंग देख सकते हैं। बट अभी मैंने यूएस के जो मार्केट है उसको देखा है, और एसजेएक्स निफ्टी को भी मैंने देखा है, तो वो जो है वो पूरा पूरा वीक पड़ा है आज, मतलब जो एसजेएक्स निफ्टी से है वो आज के करंट क्लोजिंग से 100 पॉइंट डाउन है, तो मेरे को मंडे को लॉस होना समवेयर फिक्स्ड है, अभी उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, और वो जो लॉस होगा उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि इट्स माई फॉल्ट, मेरे को लेके जाना चाहिए था, मतलब एग्जिट कर देना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं। प्लस मैंने एड ऑन के लिए और एक ट्रेड ली है, मतलब टोटल 2 ट्रेड ली है, आज का एक ओवरनाइट और एक कल का ओवरनाइट, ठीक है। सो जो आज का ट्रेड है वो ऐसा है कि मैंने पुट एंड कॉल दोनों को सेल किया है, और प्लस उसको हेज भी किया है ताकि मेरा लॉस लिमिटेड रहे, तो अभी देखते हैं, वो मेरे को लॉस नहीं देगा, मैं उस पर ऊपर बिलीव रखता हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजी वैसी है वो लॉस ना देने वाली। बट जो मैंने कल नेकेड पी सेल करके गया था वो मेरे को अभी मंडे को लॉस दे सकता है। अब अगर कुछ हुआ और मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या फिर छोटू सा भी गैप अप हुआ तो इट विल बी बेटर फॉर मी, मेरे को एग्जिट करने का टाइम मिलेगा। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती है, और जब भी वो डोर नॉक करती है मेक श्योर आप ना उसको आने देना अपने लाइफ में, और हैप्पीली एक्सेप्ट करना। मेरे लाइफ में बहुत फकडअप आके जा चुके हैं, अभी भी कुछ फकडअप है जिससे मैं रिकवर कर रहा हूँ। बहुत लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट दिख रहा होगा, इतना कमा रहा है उतना करा रहा है, बट इससे पहले मैंने बहुत फकडअप झेले हैं, मैं अभी भी वो फकडअप से बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं वो
जो भी अभी कमा रहा हूँ और जो भी सारी चीज़ चल रही है उससे वो बहुत बड़े हैं, ठीक है, उसको वो कभी मैच नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइसलेस है। जब ये यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ से आपको नहीं पता कि कैसे बाहर निकलना, ठीक है, और उससे बाहर निकलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपका डोर नॉक कर रही है, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट बट यू डो तुम नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर इन रिलेशनशिप, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर अपॉर्चुनिटी मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो दिक्कत में आ सकती है और प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट ये याद रखना कि भाई अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तभी आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आएगी और वो आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगी, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मेरा रिलेशन कितना फकडअप हो जाएगा और मैं सारी चीज़ें कितना गवा के बैठ सकता हूँ। सो मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने जो है वो टारगेट सेट किए हैं, जस्ट लाइक मैंने अभी किया है टारगेट सेट फ्रॉम मंडे, जो भी मैं अर्निंग करूँगा स्टॉक मार्केट से उसका 1000 रुपीज़, उसमें से अगर मैं दिन के 1000 भी कमा रहा हूँ तो भी 1000 रुपया मैं इन्वेस्ट करूँगा इन कोई भी स्टॉक रैंडम उठा के। जस्ट पर्पज़ इतना ही है कि मार्च या फिर अप्रैल तक कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ और अगर उसके लिए वो अचीव करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे 3 टारगेट है, सबसे पहला जो टारगेट है वो है मेरी मॉम के लिए, सेकंड मेरे खुद के लिए है, थर्ड मेरी फैमिली के लिए है। तो जैसे जैसे हर एक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा मैं बता दूंगा कि ये टारगेट के लिए मैंने कब से क्या प्लान किया था और किस प्रोसीजर से मैं जा रहा था, क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए और सब कुछ, ठीक है। फिलहाल अभी शेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आई बिलीव समवेयर कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे जब तक वो होती नहीं तब तक मत बताओ, ठीक है, विल बी ऑलवेज बेटर। बट जो भी सबसे पहला टारगेट है वो जस्ट फॉर माई मॉम टू मेक हर हैप्पी और वट एवर जो उसको एक चीज़ करनी है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैं वो सबसे पहला टारगेट मैंने वो रखा है। तो एक्सपेक्टिंग कि अप्रैल या फिर अप्रैल एंड तक वो चीज़ हो जाए, और डिपेंड करता है कि लाइफ में बाकी और चीज़ें कैसे चलती है। फिलहाल ये टारगेट सेट करके रखा है मैंने। एंड टॉकिंग अबाउट माई ट्रेड, जो भी मैंने ओवरनाइट ली है, मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ मंडे के लिए। मंडे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फटाक से मैं मेरी पोजीशन कट कर लूँगा, वो वाली जहाँ पे मैंने उसको कल वाली ओवरनाइट पोजीशन जो आज मैंने अगेन कैरी की है सेम पोजीशन में वो क्लोज कर लूँगा, और जो मैंने हेज पोजीशन का मैंने आज ओवरनाइट लिया है उसको ट्राई करूँगा उसको भी कट करने का। मैं मेरा बेस्ट दूंगा ये चीज़ में कि वो लॉस सेक्शन में जहाँ जाए, ठीक है, गया तो भी मैक्स टू मैक्स मेरा 3000 रुपीज़ का लॉस का लिमिट है, जो अगर होता है रीच तो मैं एग्जिट कर लूँगा एनी हाउ, फिर मार्केट वहाँ से रिवर्सल भी दे तभी मेरे को कोई मैटर नहीं करेगा। बट या अगर उसको होल्ड करके रखूँगा तो इट विल गिव मी अ पेन जो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा फिर आगे जाके, ठीक है, और आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ पेन जो मेरे को मेरे अगेंस्ट यूज़ हो या फिर वो मुझे पेन दे, ठीक है, जिससे मेरे हेडेक्स पड़े, ठीक है, दैट्स इट। फिलहाल बजे रात के कुछ 1:15, तो अभी व्लॉग एडिटिंग के लिए बैठ रहा हूँ, तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, आई होप तुम लोग को ये जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं कल मेरा ऑफिस है तो कल भी मैं व्लॉग करूँगा, संडे को शायद से ब्रेक लग सकता हूँ, बट देखते हैं। आज का एक ब्रेक पड़ा है जब मेरे को आज टाइम नहीं मिला कुछ भी एडिट करने के लिए, एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिला मेरे को। मैंने शूट तो बहुत किया था बट एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिला। सो जैसा भी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट सेक्शन में बताना जो भी अगर सजेशन रहेंगे वो, प्लस लाइक करना अगर लाइक नहीं किया तो, एंड सब्सक्राइब भी करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।